ठीक है, हालत खराब हो गई पैकिंग करते करते करते। और मशरूम की सब्जी और रोटी, थोड़ा सा नाश्ता। मेहनत तो कोई नहीं किया भाई। तो फिर और गाइज रूम की हालत आप देख सकते हो, पूरा पैक वैक हो चुका है। और गाइज फाइनली हम लोग न्यू रूम में आ चुके हैं। इसकी ब्लॉग चैनल अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और नहावा लिए हैं। आजकल सवेरे सवेरे उठ जा रहे हैं, मतलब 5 बजे उठ जा रहे हैं। और खाना पीना सब कुछ बन चुका है मेरा। और अभी हम पैकिंग कर रहे थे, ठीक है गाइज। तो भैया जो यहाँ पे साफ करने आते हैं उन्हीं को बोलेंगे उस रूम पे थोड़ा सा पहुँचा देने के लिए, थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। फिलहाल नाश्ता करते हैं और क्या क्या करेंगे सब कुछ आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा, तो ब्लॉग में बने रहिए। और गाइज रूम की हालत आप देख सकते हो, पूरा पैक वैक हो चुका है। और इधर ये वीडियो शूट करेगी अभी, तो इसका पहले नाश्ता कर लेते हैं हम लोग, फिर इसका काम होगा, फिर हम लोग जाएंगे उस रूम पे। और बहुत देर से यहाँ पे बैठ के बूमरंग बनाने का कोशिश कर रही है लेकिन इसका बन नहीं रहा है। ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा है तुम पे, खोल लो। हाँ इसीलिए नहीं बन रहा है, क्योंकि ये कुर्ती ना बहुत पुराना हो चुका है, अब ये अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। पाले हैं आलू और मशरूम की सब्जी और रोटी, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं। जा चुका है, मतलब कुछ कुछ सामान बचा हुआ है, भैया पूरा रख रहे हैं। ठीक है गाइज देख सकते हो पूरा खाली हो चुका है रूम। और इस घर को छोड़ने वाले क्योंकि ये पूरा खराब हो चुका है। मतलब धो के नहाए थे, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा काम कि लग ही नहीं रहा कि नहाए, पूरा एकदम हालत खराब हो गया है गाइज। रचना नीचे में है, पूरा नीचे में, उसको बता रही है कि कहाँ पे रखना है और उधर वाले रूम पे, ठीक है, तो वो नीचे में है और हम ऊपर में सामान सारा पैक कर करके उनको दे रहे हैं। और गाइज फाइनली हम लोग न्यू रूम में आ चुके हैं। एंड इसकी हालत देख सकते हो, जो कि सारा भैया लेके आए, बस एक दो बारी हम लोग को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे जाना पड़ा। कुछ कुछ चीजें तो खुद से लेके आनी होती है ना, बस सामान, शीशा का सारा सामान हम लोग खुद से लाए। हाँ शीशा का सारा सामान और पर्स वगैरह ये सब 3-4 था, वो सब हम लोग खुद लाए, बाकी सारा कुछ भैया लाए। और पता है भैया क्या मांग रहे थे? भाई साहब जो मेहनत लगी है ना, कुछ कहने नहीं है, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी, लेकिन इस बार ज्यादा मेहनत नहीं लगी, हम लोग कुछ भी नहीं किए, बस मतलब वो भी तो इंसान है ना, कितना कुछ करते तब पर भी हम लोग बहुत सारा सामान उतार दिए थे नीचे ना दीदी, मतलब सारा छठा फ्लोर पे से वो निकाले, मतलब सारा सामान, लेकिन आने में मतलब इस लॉज में आने में, ये भी 4th फ्लोर पे है तो ऊपर चढ़ाने में हम लोगों ने भी हेल्प कर दी। बोले थे क्या कि 100 रुपया लेंगे, भैया बोले क्या 100 लेंगे, हम लोग तो 5 होगी 100 लेंगे। मैडम सुनिए ना, बोले हम क्या हो भैया, बीच बीच में पानी वानी नाश्ता वास्ता सब करवा दिए थे उनको हम दीदी, तो बोले थे क्या 50 रुपया और हमको बढ़ा दीजिएगा, बोले चलिए भैया आप करिए ना और बढ़ा दीजिए। भाई वो लोग सच में मेहनत किए, बहुत ज्यादा मेहनत किए है, हम लोग भी पूरा किए, मतलब थोड़ा बहुत सामान, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत किया है ना दीदी। मेरे इतना मेहनत तो कोई नहीं किया भाई। तो क्योंकि इतना सारा सामान भाई साहब, देखो हर जगह आपको सामान ही सामान। और पता है एक बैग मतलब पूरा, मतलब जो सूट वगैरह पहनते थे पहले, बहुत पहले, वो सब सूट अब पहने लायक था नहीं, तो पूरा एक बैग था पूरा, और उसमें एक भी ऐसा नहीं था कि फेक भी देते, मतलब माया मोहन जो नहीं होता, सारा ब्रांडेड सूट सब था, तो वो सब बहुत सारा था। तो पूछे हम उनसे, आपकी बहन वहन सब कोई है? तो बोले कि आज हाँ है, जीन्स नहीं पहनती, सलवार सूट पहनती है। बोले हाँ सलवार सूट तो है, तो 7-8 पीस हम लोग दिए, पूरा सेट लगा के दे दिए, और वो 150 मांग रहे थे। बोले बाप रे इतना मेहनत किए हैं, तो 500 दे दिए उनको। बोले तो 50 रुपया बढ़ा देंगे। और अभी कुछ नहीं करने वाले हैं, एकदम हालत खराब है, हम लोग इतने ज्यादा लफड़ा मिले, मतलब रूम वूम चेंज करेंगे। यार पता है आप लोगों को, इस रूम में आ गए फाइनली हम लोग, और एक एक सामान हम लोग अपनी पसंद का लगाने वाले इस रूम में, भगवान करे जो चाहे वो पूरा हो जाए पहले। और यहाँ पे ना, यहाँ पे मतलब अंकल इतने अच्छे हैं कि हम लोग फ्रीज यूज करने देंगे, सब कुछ हम लोग करने देंगे, सब कुछ मिलेगा, सारी फैसिलिटी, इतना फैसिलिटी मतलब आज तक लॉज में हम लोग मतलब वो किए ही नहीं। सारी वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है, रेंट है, हाँ ठीक है रेंट है, बट सब कुछ आपको मिल रहा है। तो यही चाहिए था हम लोग को कब से, मतलब 2 साल हम लोग कैसे कैसे रहने, छोटे से रूम में कितना कुछ करते थे, वीडियो शूट करते थे, वीडियो जब भी शूट करते थे हम लोग, तो पूरा रूम मूड खराब हो जाता था क्योंकि अच्छा रूम नहीं था, और हमेशा बाहर जाके से शूट करना पड़ता था। बट अब रूम की भी कुछ कुछ वीडियो आई क्योंकि रूम काफी अच्छा हम लोग ले चुके हैं, अटैच वॉशरूम वगैरह सब कुछ है, मतलब एक फ्लैट की तरह है सब कुछ,
बहुत ही ज्यादा बढ़िया और मजा आने वाला है, और हम लोग बहुत सारी चीजें करने वाले हैं इस रूम में। तो प्लीज आप लोग अगर ब्लॉग देखते हो तो पता चलेगा ही, तो प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसके चैनल को, प्लीज यार 5000 बना दो। सब बोतल मिला है पानी का, ठंडा कूल सब कुछ, बहुत बहुत अच्छा यहाँ पे यार। बस अब जल्दी से, अभी तो हम लोग पूरा मतलब भूख पूरा लग चुका है, खाना खाएंगे फिर शूट करने के लिए जाएंगे, सबको ऐसे बस बेड कर लेंगे रात में सोने के लिए, बस हो गया सारा सामान ऐसे ही फैला हुआ है। देख सकते काफी अच्छा लग रहा है, वहाँ पे इतनी गर्मी लग रही थी, मतलब हाँ रूम ठीक था लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी आप वहाँ पे यार, बट यहाँ काफी सही है, बहुत सही है सब कुछ, मतलब जैसा हम लोग को चाहिए था ना, कितना बोले हम बहुत अच्छा लग रहा है। दिखाएंगे तो रूम टूर आएगी जब सब कुछ आ जाएगा ना, तो मस्त सी। वैसे ब्लॉग चैनल पर तो कुछ भी आएगा तो दीदी दिखाएगी आपको, लेकिन हम अपने चैनल पे भी बनाएंगे मस्त सी वीडियो, जब पूरा रूम पूरा अच्छे से हम लोग सजा लेंगे सब।